और आपके दोस्त भी जो वही बनते हैं जिनसे आप कनेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, रादर देन कि आपने कोई महंगी घड़ी पहनी है, महंगा जूते, चश्मा, गाड़ी, वॉट एवर, उससे आपके दोस्त नहीं बनते. इनफैक्ट अगर कोई ऐसे दोस्त बन रहा है तो इट्स बेटर टू एंड दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप. जो इस वजह से सिर्फ दोस्त, 26 साल की उम्र में मैंने सेविंग्स इन्वेस्ट करना शुरू की और 38 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो 12 साल हो गया. तो मैं टोयोटा प्रियस चलाता था, ठीक है. तो एक साहब आए, देसी थे, पाकिस्तानी, उन्होंने मुझसे कहा यार ये तो टैक्सी वालों की गाड़ी. तो मैंने कहा कि भाई तो आप मुझे टैक्सी वाला ही समझ के बैठे हैं. बच्चों को ये इशू जरूर होता था, मेरे बच्चे ना प्राइवेट स्कूल जाते थे यूके में, तो अब हमारी प्रियस जा रही है और वहां से आ रही है ऑडी और पोर्स और ये और वो मर्सिडीज, तो हमारे बच्चे कहते थे कि अब हम तो प्रियस में जाते हैं, हम गाड़ी कब लेंगे. तो मैंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो खुद इन स्टॉक्स में, जिनकी मैं बात करूं, इनमें डालना शुरू किया. उसके रिटर्न अच्छे होना शुरू हुए और मच बिगर देन व्हाट द मार्केट वाज. तो कोविड के टाइम पे ना मैंने सीवी डालना शुरू कर दिया था कंपनीज में. ये दोस्तों वेलकम अगेन, आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है जिसमें मेरे गेस्ट जो इस पॉडकास्ट में आए हैं उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है एट एज 38. तो वो इस पॉडकास्ट में अपनी सारी स्टोरी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की, वो प्रोसेस क्या था, कब उन्होंने सोचा कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी चाहिए और अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं. आई एम श्योर यू विल रियली इन्जॉय दिस पॉडकास्ट एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एज वेल. तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट देखें और एंड तक देखें. अब इस पॉडकास्ट में जाने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं. एक, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो हूँ क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ उसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ. और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया. इस चैनल पर मैं और मेरी वाइफ बतूल कॉन्टेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के चैलेंजेस, फ़ायदे क्या हैं और मूव करने के तरीके क्या हैं, ऑल आर एक्सपीरियंस. वी आर ओरिजिनली फ्रॉम साउथ एशिया, lived in Middle East, in Canada and currently living in US. हम ये सारा experience आपसे share करते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. So please make sure you subscribe to the channel. Now let's get rolling into the podcast. जी सुनील, thank you for joining. अच्छा, और उससे बढ़कर thanks for agreeing to come on the podcast और अपनी story share करने के लिए जो आप अपनी story share करेंगे. But for the viewers, सुनील is someone जिन्होंने मेरी definition के हिसाब से financial freedom achieve कर ली है. और मैं जो हूँ वो financial freedom बहुत preach करता हूँ. And just to clarify, it's not about retirement. Retirement seems like कोई बंदा जो है अपने 65 में है और उसके पास जो है वो he's old or she is old enough कि अब वो और कोई काम नहीं कर सकते, तो अब वो कहते हैं कि हम रिटायर हो जाते हैं. बट सुनील जो है he's still young and he is financially free, which means he can decide to choose when he works, what he works on, whoever he works with. तो मैंने ये सुनील से जर्नी समझनी है कि how was he able to achieve financial freedom, कब जो है वो उन्होंने सोचा कि उनको फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए और ये प्रोसेस कैसा था और अब वो कैसा फील करते हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और ये सारी स्टोरी हम सुनील से समझेंगे. बट सुनील, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करना शुरू करूं, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कहाँ से जर्नी शुरू की, वेयर यू ओरिजिनली फ्रॉम, आपने क्या क्या किया है और अभी आप आजकल क्या कर रहे हैं, देन आई विल थ्रो इन द क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू. थैंक यू बैरोज फॉर हैविंग मी ऑन द शो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा आपका YouTube पे देखा भी था. इट्स अ रिमार्केबल थिंग दैट व्हाट यू आर डूइंग. लोग इतने फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते, स्पेशली हमारी जहाँ से हम लोग आते हैं. तो इट्स अ ग्रेट सर्विस दैट यू आर डूइंग. यू आर गिविंग फ्री टिप्स, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल्सो. मैं सुनील हूँ मेरा नाम और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं भी IBA से हूँ. IBA के बाद मैंने जॉब की एक शिपिंग कंपनी में और फिर उन्होंने मुझे UK ट्रांसफर कर दिया. तो यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई इन्वेस्टमेंट की भी, जब मैं UK आया, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतने एवेन्यूज होते नहीं है इन्वेस्टमेंट के. आप बस ज्यादातर लोग प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, जिसमें मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था. तो जब मैं UK आया तो मैंने अपनी सेविंग्स जो है वो शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड की. 10-12 साल यहाँ काम किया और उसमें इतनी सेविंग्स रेगुलरली मैं करता रहा कि एक दिन आया कि आई डिडंट नीड टू वर्क एंड आई डिडंट फील इट. तो जो आपने बात की ना बहुत अच्छी थी कि कोई गोल होना चाहिए, आइडियली यस होना चाहिए,
लेकिन मेरा नहीं था, एंड लकीली आई रीच समवेयर विच वॉज काइंड ऑफ अ गोल, बट शुरू में ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, बस सेविंग्स करते 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 इन्वेस्टमेंट करते. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने लर्न की कि जो आप सेविंग्स कर रहे हैं उनको आप एज अ कैश ना रखें, कैश इन बैंक ना रखें या कैश एट हैंड ना रखें, उसे कहीं इन्वेस्ट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो मैंने एक चीज लर्न की जरूर ओवर द 12 इयर्स. तो मुझे ये बताएं कि आपने ये कब रियलाइजेशन हुई आपको कि रियलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ मनी. और मैं कहना ये चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो हम पैसों की बात तो हम करते नहीं है, ना अपने पेरेंट्स से करते हैं, ना अपने दोस्तों से करते हैं, और पैसे को बहुत, पैसे की बात करना बहुत बुरा भी समझा जाता है कि यार पैसे कोई कब्र में लेके थोड़ी जाने हैं, पैसे की क्यों बात कर रहे हो, पैसा आनी जानी चीज है, पैसा जो है वो इंसान को बुरा बना देता है, वो जो अमीर लोग होते हैं बुरे होते हैं, स्टफ लाइक दैट. सो आई नेवर टॉक्ड अबाउट मनी, किसी भी अपने पेरेंट्स से भी कभी बात नहीं की, कभी किसी दोस्तों से भी बात नहीं. तो मेरा फोकस तो सिर्फ ये था कि बस करियर बनाते रहो और मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे ऊपर जाता रहूंगा और वही मेरी लाइफ सस्टेन करता रहेगा. और पैसा चूंकि उससे पहले ज्यादा था नहीं कॉलेज की लाइफ में या पेरेंट्स के साथ होते हुए भी, तो जैसे ही करियर शुरू हुआ और उस हिसाब से फिर वो भी शुरू होने लग गए, मोर ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, राइट. ये ट्रेंड शुरू हो गया कि वेकेशन होगी तो वेकेशन मुल्क से बाहर होगी. मेरे पेरेंट्स के टाइम में मैं कभी मुल्क से बाहर गया नहीं, पर बाकी सब जो है वो जो सीनियर मैनेजर्स या सीनियर लीडर्स हैं कंपनी के सब बाहर जा रहे हैं, तो हमने पैसा उधर लगाना शुरू कर दिया. किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो हमने वो ले ली. सो पैसे का तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं हमेशा करियर पे फोकस करूंगा और वही मुझे सस्टेन रखेगा. बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि करियर में भी प्लस माइनस आते रहते हैं. माशाल्लाह मेरा करियर वैसे अच्छा रहा है, बट इवेंचुअली ये सब चीजें जो है वो एंड हो जाती हैं. और जिस चीज को मैं बुरा समझता रहा हूँ पैसा, मैंने रियलाइज किया कि वो उसके उस वो बहुत अच्छी चीज है अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए और आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए. तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपको कभी ये रियलाइजेशन हुई कि, या आपका कभी वो स्विच आया जहां आप हमेशा पैसे को बुरा समझते थे एंड देन यू रियलाइज के नहीं यार ये वो चीज है जिसको अगर मैं अचीव कर लूं तो आई विल बी एबल टू. सो व्हेन दैट स्विच हैपेंड, इफ दैट हैपेंड, और वो क्या प्रोसेस था? हाँ, तो ये जो आपने मनी की बात की ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही कि इट्स सीन एज अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि ये मैं रिलीजियस उसमें चले जाऊंगा, लेकिन कल्चरली रिलीजियसली इवन कोट्स हैं कि इट्स इजियर फॉर अ कैमल टू पास थ्रू अ नीडल देन अ रिच मैन टू एंटर द गेट्स ऑफ हेवन, के अमीर आदमी के बेचारे की इतनी वो है कि वो जन्नत के दरवाजे से नहीं गुजरता है. तो ये क्रिश्चियनिटी में कोट है, बट इस तरह की कल्चरल बिलीव्स चले आए हैं, वो ट्रेडिशंस बन गए और फिर वो हमारी जैसी फैमिलीज में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स लुक डाउन अपॉन अमीर लोग, हर कोई जो भी अमीर हुआ है वो बेईमानी से ही हुआ होगा, ये काइंड ऑफ वो ही है, एजम्पशन है. अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे यहाँ भी सेम था. तो एक तो मेरा वैसे भी थॉट प्रोसेस ये रहा है कि मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ चीजों को, तो आई डिड नॉट अग्री विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग के भाई हर कोई तो अमीर ऐसे नहीं हो सकता, कोई सही लोग भी हैं. और फिर आप जब थोड़ा पढ़ते हैं, दुनिया में निकलते हैं, तो आपको पता लगता है कि अच्छा और लोग कैसे अमीर हुए, जैसे लोगों ने इन्वेंट की चीजें. अब माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है, बिल गेट्स ने उस पर काम किया, बनाया एक सॉफ्टवेयर, उसको लोगों को बेचा, फिर वो घर घर इम्प्लीमेंट हुआ, जब लोग उसके बगैर अब काम नहीं कर सकते विंडोज, तो इतना एसेंशियल हो गया लाइफ के लिए, तो उससे वो शख्स अमीर हुआ. सही है, चोरी बेईमानी से भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जब आपने, मैंने पढ़ा बहुत कुछ किताबें हैं आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे सही से भी पैसे कमाए, इन्वेस्टर्स हैं वॉरेन बफेट वगैरह, उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट करके पैसे कमाए. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड मोर एंड मोर. के और फिर मुझे आइडिया ये भी होने लगा कि अमीरी की डेफिनेशन भी बहुत डिफरेंट है. जो यूरोप यूएस में अब जो बंदा मैकडोनल्ड्स खाता है वो लोअर मिडिल क्लास भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में वो एक अपर मिडिल क्लास रेस्टोरेंट है, या उस वक्त तो था जब मैं था, आप पता नहीं. तो ये भी अमीरी की भी मुझे लगा कि ये तो डेफिनेशन ही डिफरेंट है कि यहाँ के लोग अमीर. और तो फिर उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लोर किया और फिर हाँ इस चीज से मैं निकल आया कि
मनी इज नॉट समथिंग टू हेट अबाउट, बट ये पॉइंट भी मेरा वैसे क्लियर था कि यू डोंट हैव टू डू इविल और समथिंग इलीगल टू बी रिच, ये मैंने नोटिस किया. तो मेरी जो हैबिट्स थी, मैं वैसे बहुत फ्रूगल लाइफस्टाइल है मेरा अभी भी, तो मेरे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, मैं कोई महंगी ब्रांड्स पहनता ही नहीं. शुरू से भी मेरा ऐसा ही था, और ये मेरे ख्याल में थिएटर से आया है कि मैं थिएटर करता था पहले, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि यार लोग इसको अट्रैक्ट, इससे अट्रैक्ट नहीं होते कि आपने क्या पहना हुआ है, ये लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं कि आप उनसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनसे आप बात कर पाते हैं, उनसे कनेक्ट. तो लोग और आपके दोस्त भी जो वही बनते हैं जिनसे आप कनेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, रादर देन कि आपने कोई महंगी घड़ी पहनी है, महंगा जूते, चश्मा, गाड़ी, वॉट एवर, उससे आपके दोस्त नहीं बनते. इनफैक्ट अगर कोई ऐसे दोस्त बन रहा है तो इट्स बेटर टू एंड दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप जो इस वजह से सिर्फ दोस्त है. तो आई थिंक ओवर टाइम पढ़ के, दुनिया देख के मुझे ये एहसास हुआ. बिल्कुल सेम स्टोरी है जो आप बोल रहे हैं कि शुरू में घरों में, हमारे घर में भी यही बात होती थी कि जो भी अमीर है वो चोरी और बेईमानी से हुआ, इट वॉज लुक डाउन अपॉन. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्विक कॉल आउट, अगर आप मेरी तरह ग्लोबली पैसे भेजते हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, बिटवीन कनाडा एंड यूएस, तब ये ऐप जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऐप को यूज़ करने से आपको ना सिर्फ बेस्ट रेट्स मिलेंगे बल्कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो बहुत इंस्टेंटली हो जाएगा. मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ टू सेंड मनी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, आप भी यूज़ करें और इस बेनिफिट का फायदा उठाएं. अगर आप ये लिंक यूज करेंगे, जो कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, तब आपको इस लिंक को यूज करने से 10 से 20 डॉलर का क्रेडिट भी मिलेगा. तो जल्दी से अपना अकाउंट खोलें और फ्यूचर ट्रांसफर के लिए इस ऐप को यूज करें. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने, व्हेन डिड यू बिकम इंटेंशनल अबाउट मनी एंड अबाउट जनरेटिंग और इंक्रीजिंग योर वेल्थ, एंड बाय व्हेन आई मीन आपकी मतलब एज क्या थी, and at what age did you achieve financial freedom, which is again the area जहां आप choose करें कि मैंने क्या काम करना है, कब करना है, किसके साथ करना है. तो intentionality कब, किस age पे शुरू हुई और achieve किस age पे? तो मैंने कैसे बताया कि जब मैं UK आया तो वो 2006 था, तो मैं उस वक्त 26 साल का था. तो 26 साल की उम्र में मैंने सही से savings invest करना, पहले पाकिस्तान में savings थी लेकिन वो cash की form में थी जो मेरी सैलरी होती थी. लाइफस्टाइल हमेशा से मेरा ना बहुत ही वो रहा है कि मैं ब्रांड ब्रांड भी नहीं देखता कोई, और फोन मेरे पास वही था जो ऑफिस का फोन था. तो ये मैंने चीज थी शुरू से, वो हैबिट थी कि मैं एक्सपेंसिव चीजें बाय नहीं करता ज्यादा. तो उससे मेरी इनकम काफी सेव हो जाती थी. ज्यादातर स्कूल की फी है बच्चों की जब बच्चे हो गए. बट 2006 व्हेन आई वाज 26 इयर्स ओल्ड आई केम हियर, तो 26 साल की उम्र में मैंने सेविंग्स इन्वेस्ट करना शुरू की और 38 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया. तो 12 साल में. जबरदस्त. ओके, गॉट इट, थैंक यू. अच्छा, आपने बात की हैबिट्स की, और मैं थोड़ी सी अब हैबिट्स जानना चाह रहा हूँ सेविंग्स की, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पे भी आएंगे. बिकॉज मेरा ये मानना है, और प्रॉब्ली इट्स अ फैक्ट, कि आपकी इनकम जितनी भी हो जाए, अगर आपकी जो है वो सेविंग नहीं हो रही, तो देर आर पीपल जो कि हमसे चार गुना, मुझसे चार गुना, पांच गुना ज्यादा भी कमाते होंगे, बट दे सेव नथिंग एट द एंड ऑफ द डे. वो पेचक टू पेचक है, बिकॉज वो स्ट्रैप में सिर्फ फंसे होते हैं. तो आपने हैबिट्स की बात की, तो मुझे अगर आप दो तीन कुछ ऐसी अच्छी सी हैबिट्स शेयर कर लें जो कि द लिसनर्स कैन टेक एंड से कि यार ये कुछ अच्छी सेविंग हैबिट्स हैं जो कि हम वी कैन टेक फ्रॉम सुनील. और दूसरा, मे बी दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच इज, आप ये सोशल प्रेशर कैसे अवॉइड करते हैं कि जब आपके दोस्त जो हैं वो कोई ब्रांड पहने, या कोई ब्रांडेड ब्रांड हो, खर्चा हो रहा हो, बाहर वेकेशन हो रही है, सोशल मीडिया है. एंड द सेकंड पीस इज ऑन द सेम लाइंस इज, अकेले ये सब करना और सोचना, मलंग होना तो फिर ठीक है, बट व्हेन यू हैव अ स्पाउस, व्हेन यू हैव किड्स, तो फिर थोड़ा सा चैलेंज और डिफरेंट हो जाता है. तो वो आपने वो रिलेशनशिप में ये कैसे मैनेज किया कि यार हम जो हैं वो अलाइन रहें ऑन आर पैटर्न. सो मेरे दो सवाल हैं, एक मुझे सेविंग हैबिट्स अगर कोई अपनी बता दें, दो तीन चार जितनी भी हैं, और फिर एक सोशल प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं, और तीसरा पीस इज अराउंड योर स्पाउस. सो दीज आर थ्री क्वेश्चन. तो मैं, हाँ, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है. ये वाकई बहुत बड़ा प्रेशर होता है, यू आर राइट, सेल्फ भी होता है और एनवायरमेंट का भी होता है. तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, एज सिंपल एज दैट. आप
से लोग बात क्यों कर, क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर कोई आपसे इसलिए बात कर रहा है तो ये तो बहुत ही बेकार सी बात है। मतलब इट्स रियली स्टूपिड कि आप इस वजह से किसी से रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गई आप बना रहे। तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, पहले ना जब मैं ये सब सेविंग कर रहा था, इवन जब मैं 38 का भी हो गया और मेरे फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो मैं टोयोटा प्रियस चलाता था, ठीक है। तो एक साहब आए, देसी थे पाकिस्तानी, उन्होंने मुझसे कहा यार ये तो टैक्सी वालों की गाड़ी। तो मैंने कहा कि भाई तो आप मुझे टैक्सी वाला ही समझ के बैठे हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब मैं उससे वो नहीं हो गया कि ओ माय गॉड ये मेरे पास कौन सी गाड़ी है। आई ड्रोव दैट कार फॉर 12 इयर्स, और फिर जब वो बिल्कुल ही वो हो गई तो फिर मैंने गाड़ी बदली। तो 12 साल मैंने वो गाड़ी चलाई। तो मैं ये होगा कि आपको कंफर्टेबल होना है अपनी ओन स्किन में, एंड इतना लोगों की ना सुने यार, इतना प्रेशर ना ले। तो ये तो मेरा अपना हो गया, ठीक है। और ठीक है, आपकी बात ये भी सही है कि आप तो अपना कंट्रोल कर लोगे, या आप थोड़े रेबल टाइप के हो, यू डोंट केयर, मलंग टाइप के भाई मुझे। और मेरे जो आइडल्स भी रहे ना, वो दुनिया में ऐसे ही लोग रहे जो बिल्कुल ही, जिन्होंने इतना लाइफ स्टाइल, उसकी जैसे अबीब जालिब साहब थे, बेचारे चारपाई पे मर गए एंड में। तो इस तरह के लोग, उन्होंने कभी पैसे की वो नहीं की, मतलब वैल्यू नहीं दी। सेविंग करना अच्छी बात है, इन्वेस्ट करना, लेकिन ऐसा अपने ऊपर तारी ना करें। एक चीज फिर स्पाउस, मेरी बेगम भी थोड़ी ऐसी ऐसी है, वो भी इतनी ज्यादा वो नहीं है, मुझसे थोड़ी ज्यादा आई थिंक, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि शी वॉन्ट्स न्यू ब्रांडेड स्टफ एवरी टाइम। सो शी इज हैप्पी टू लिव इन इन कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट थिंग्स, नो मैटर व्हाट द ब्रांड इज। बच्चों को ये इशू जरूर होता था, मेरे बच्चे ना प्राइवेट स्कूल जाते थे यूके में, तो अब हमारी प्रियस जा रही है और वहां से आ रही है ऑडी और पोर्श और ये और वो मर्सिडीज। हमारे बच्चे कहते थे कि अब हम तो प्रियस में जाते हैं, हम गाड़ी कब लें। तो उनको भी हम यही समझा रहे थे कि बेटा देखो तुम्हारे पढ़ने जा रहे हो, अगर तुम टॉप स्टूडेंट हो या क्रिकेट में अच्छे हो, तो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑफ यू इन द स्कूल। ये आपकी वैल्यू क्रिएट करेगा, ना कि ये कि आपके बाप के पास मर्सिडीज है या कोई नए मॉडल की पोर्श है, तो वो आपको लैम्बोर्गिनी में, फेरारी में ला रहा है। तो उससे आपकी क्या वैल्यू, आपने क्या किया, वो तो अब्बू ला रहे हैं ना आप, तो आप तो पढ़ाई में अच्छे। तो उनको भी हमने यही इंस्टिल किया कि दीज थिंग्स डोंट मैटर, एंड वी आर वी वर सक्सेसफुल इन दैट। आई डोंट नो बड़े होके उनका वो कैसे जाएंगे, बट अभी तक तो यही है। तो आई थिंक यू आर वेरी राइट कि स्पाउस का भी आपके साथ एक पेज पे होना जरूरी। अच्छा दोस्तों, एक क्विक ब्रेक फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉल आउट। अगर आप जो है वो जानते हैं कि किताबें पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है और आप किताबें पढ़ना भी चाहते हैं पर आपके पास टाइम नहीं है या मोटिवेशन नहीं है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ऑडियो बुक्स। मैं ऑडियो बुक्स के लिए यूज़ करता हूँ ऑडिबल, जो मैं पिछले 10 से 12 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो हूँ उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई फाउंड इट वेरी गुड एंड वैल्यूएबल। नाउ इन केस आप भी जो है वो ऑडिबल्स के साथ साइनअप करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। वो लिंक यूज़ करने से आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा और फ्री ट्रायल के साथ आपको 2 फ्री ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। फ़ायदा यह है कि आप ऑडियो बुक्स अपनी ड्राइव करते हुए, कम्यूट करते हुए, अपना वर्कआउट करते हुए कभी भी सुन सकते हैं और जो भी किताब है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग योर सेल्फ। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं या चाहते हैं कि किताबें पढ़ें लेकिन टाइम और एनर्जी नहीं रखते, तो ऑडियो बुक्स चेकआउट करें ऑन ऑडिबल। मैं उसका लिंक जो हूँ इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इन टू द वीडियो। ठीक है, गॉट इट। अच्छा अब मुझे बताएं, अगर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म आपको शायद आता हो या कभी ना भी आया हो, बट अगर मैं करूं हाइपोथेटिकल क्रिटिसिज्म, यार सुनील जो है वो तो बहुत मर मर के जीता है, लाइफ एंजॉय नहीं करता, पैसे हर पैसे बस पैसे बचाता है एंड ही इज नॉट एंजॉइंग लाइफ व्हाइल आई एम एंजॉइंग लाइफ, तो इज देयर अ पार्ट ऑफ यू जहां आप यू एंजॉय लाइफ एज वेल, यू स्पेंड एज वेल, यू एंजॉय योर मनी, या इट्स ऑल अबाउट सेविंग? एंड इफ यू नहीं डू, व्हाट इज नहीं दैट? we do spend, we go on holidays and all। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रैट रेस है ना ब्रांड की, एंजॉय लाइफ का क्या मतलब है? अब अगर मैं आपसे कॉल कर रहा हूँ, ये एक एंड्रॉइड फोन पे है या नए आईफोन प्रो मैक्स 15 पे है, व्हाट डज इट मैटर? आई एम हैविंग द सेम कॉन्वर्सेशन विद यू।
इफ यू आर माई फ्रेंड, वी आर टॉकिंग, वी आर हैविंग फन, वी आर एंजॉइंग लाइफ, क्या आप ये सोच रहे हैं कि सुनील ने मुझे आईफोन प्रो मैक्स 15 से कॉल किया या आईफोन 11 से कॉल किया? आप खत्म ये नहीं सोच रहे, राइट? आप बस हम लोग कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहे हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेंडिंग ही रोक दें, स्पेंड मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन ये जो रेट रेस होती है ना कि मुझे हर साल नया ब्रांडेड फोन चाहिए, मुझे हर साल नई गाड़ी चाहिए. अब कार इज अ मैकेनिज्म टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. कोई सी भी कन्वीनियंट गाड़ी हो बस सही, उसमें इतनी भी ना हो कि बस रोज ही खराब हो रही है कि आपके लाइफ टेंशन में आ गए. नॉर्मल सी एक गाड़ी ले लें, लेकिन आपको हर साल नई गाड़ी, ब्रांडेड, हाई एंड लग्जरी, ये इसके मैं अगेंस्ट हूँ. तो फिर आप सेव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो व्हाट इज लग्जरियस लाइफ लुक लाइक फॉर यू? मतलब आपके लिए क्या, आप किन चीजों पे स्पेंड करते हैं जिसमें आप बोलते हैं ये देखो मैं यहाँ बचाता हूँ? गाड़ी पे आपने बोला मैं ब्रांडेड चीजों पे बचाता हूँ, मेक सेंस, बट देन वेयर डू यू एंजॉय इट? व्हाट इज योर रिच लाइफ लुक लाइक? यार रिच लाइफ इज टू बी ऑनेस्ट, देखिए, और ये भी बहुत रिलेटिव टर्म है, अमीरी या व्हाट इज एक्सपेंसिव, बहुत रिलेटिव टर्म है ना. तो पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब हम आईबीएम में थे तो कैफे मुबारक, आपको याद है, होटल होता था हमारे, तो उसका खाना भी एक्सपेंसिव था, ठीक है. हम मेरा मुझे याद है, मैं एक दफा प्ले था तो कुछ लड़कियां आई, कहने लगी आज तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम पिज्जा हट चले गए हैं. ओकरा जाना था, पिज्जा हट चले गए. मैंने उनके घर गए, पैसे नहीं थे तो गए, हमारे अब्बू की तो सैलरी आती है तो हम जाते हैं पिज्जा. तो ये भी बहुत रिलेटिव है ना. तो अब तो मैं, हम लोग हॉलीडेज पे जाते हैं, दैट इज वन बिग एक्सपेंस दैट वी डू. या गाड़ी, कन्वीनियंट अच्छी गाड़ी ले ली है तो ये दैट इज अनदर एक्सपेंस. घर में कुछ काम करा लिया, कुछ एरिया बिल्ड करा लिया, ये चीजें एक्सपेंस है. ज्यादा बड़े इसको आप कह सकते हैं कि आप हम एंजॉय करते हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि हॉलीडे भी, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मैं किताब पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि समहाउ हमारी परसेप्शन ये बन गई है कि हॉलीडे फॉरेन ही है, फॉरेन कंट्री में जाना हॉलीडे. अब दुबई वाले को यूके आना है, ये उसके लिए हॉलीडे, वो दुबई में रह के उसके लिए कोई हॉलीडे नहीं है, उसे यूके आना है. और यूके वाले को दुबई जाना है, ये उसके लिए हॉलीडे, उसके लिए. तो ये भी देखिए ना, परसेप्शन ही है सिर्फ. Why is it that two people of the same class just want to go to another place? So again, I'll say holiday bhi aapki local bhi ho sakti hai if you have family, friends who you love to be with. And again, it's relative. Agar aapke paas paise hain, aap zaroor jaye, har jagah jaye. Lekin agar nahi hai, to apne aapko force nahi karein ki mujhe jana hi hai. Despite, like, मैं लोन ले रहा हूँ या कोई क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर रहा हूँ या वैसे सेव नहीं कर पा रहा बट हॉलीडे कर रहा हूँ. Got it, makes sense. अच्छा, आपने एक बात की, मैं I'll just go back and so far this is good and I'm learning a lot as well. 38 पे you were ready to you became financially free, which means you, I assume you left your 9-to-5 job. Yes. ये ऑप्शन आपने नहीं सोची कि यार 5 साल और कर लेता हूँ और पैसा कमा लूंगा, या 8 साल और कर लेता हूँ, मतलब instead of 38 why not 48? थोड़ा और काम कर लेता हूँ और पैसा बना लूंगा, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, या आई जस्ट हैव मोर मनी. व्हाई डिड यू डिसाइड एट दैट पॉइंट कि यार दैट्स इट? इसके ना, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आता है माइंड में. दो इसके रीजन थे मेन. एक तो मेरे वालिद साहब को उस वक्त डिमेंशिया हो गया, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, तो इट वॉज बेटर कि आई एम एट होम. दूसरी ये चीज थी कि आफ्टर अ पॉइंट मनी स्टॉप्स हैविंग एनी मैटर इन योर लाइफ. यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिसके पास $1-2 million है, या जिसके पास $10 million है, या जिसके पास $50 million है ना, आप रोटी दो ही खा सकते हैं, आप 500 रोटियां नहीं खा सकते. या मैं कोई 2000 कपड़े एक साथ नहीं पहन सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे, मैं एक ही कमीज पहन सकता हूं बस, ठीक है. तो पैसा आफ्टर अ टाइम स्टॉप्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफस्टाइल. सही कह रहे. तो ये भी था कि ज्यादा ज्यादा मैं कमाऊं तो क्या उसका कोई वो नहीं है, कोई एड ऑन बेनिफिट इतना कोई खास है नहीं. आई एग्री. अ कपल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड. एक मैं
जो मैंने जितना भी पढ़ा है और असेस किया है कि लोगों को लगता है कि उनको खुशी मिलेगी अच्छी गाड़ी से, मुझे भी कभी कभी लगता है, या मुझे एक अच्छी वेकेशन से, या मुझे जो है कोई कोई भी चीज़ खरीद के, पर अल्टीमेट जो खुशी है ना वो है फ्रीडम की, कि यार आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ऐसे इट डजंट हैव टू बी कि मैंने 9 to 5 ही छोड़ दिया, बट ये चॉइस कि मैं घंटे की ड्राइव वाली नौकरी करूं या 5 मिनट की ड्राइव वाली नौकरी करूं, या मैं नौकरी करूं ही या ना करूं, या मैं कुछ और काम करूं. सो ये जो ऑप्शनैलिटी है ना, जब आप सुबह उठते हैं और बोलते हैं आज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चूज करूंगा मैंने क्या करना है, इट ब्रिंग्स यू फार मोर हैप्पीनेस देन द हैप्पीनेस यू विल गेट फ्रॉम गेटिंग द कार एंड ऑल. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बिल्ड ऑन वॉट यू आर सेइंग के वो हैप्पीनेस अचीव करना जो है 38 इज अमेजिंग. लाइक आई वुड गिव एनीथिंग टू अचीव दैट हैप्पीनेस एज अगेंस्ट हैविंग अ बेटर कार और अ बेटर टेक्नोलॉजी एट माई प्लेस. और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात की, वो विच इज मोर अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? सो एवरी एक्स्ट्रा डॉलर गिव्स यू लेस यूटिलिटी, लेस आई थिंक देयर इज अ सर्टेन मार्क वो जो आपने अचीव कर लिया उसके बाद, जो आप कर चुके हैं उसके बाद, एवरी एक्स्ट्रा डॉलर इज गुड बट इट्स नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी वेन यू आर काइंड ऑफ रीचिंग और गोइंग इन टू दैट फेज. अब मेरा जो सवाल है, लेट्स मूव फ्रॉम सेविंग्स टू जनरेटिंग वेल्थ, विच इज मैं भी जब पाकिस्तान में था, इट वॉज मुझे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का किसी ने आइडिया दिया होगा वो दिया होगा कि यार यूएस डॉलर खरीद लो. प्रॉपर्टी तो बहुत कॉमन है, प्रॉपर्टी तो बहुत कॉमन है, तो आई डिडंट ब्रिंग इन प्रॉपर्टी, बट मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी से बढ़ के अगर किसी ने कोई आइडिया दिया दैट वॉज फॉरन करेंसी. इसके अलावा आई न्यू नथिंग. सो हाउ डिड यू एजुकेट योर सेल्फ, और आपने का इन्वेस्टमेंट आपने शुरू की वेन यू आर 26, सो हाउ डिड यू एजुकेट योर सेल्फ, हाउ डिड यू डिसाइड के प्रॉपर्टी इज नॉट द ओनली थिंग, और मे बी प्रॉपर्टी से बेहतर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सो कैन यू वॉक मी थ्रू द थॉट प्रोसेस यू हैव विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, हाउ डिड यू ट्रेन योर सेल्फ, एजुकेट योर सेल्फ. तो कोई भी अगर अभी उस जर्नी पे आना चाह रहा हो तो वो क्या करे, क्या प्रोसेस ले, क्या माइंड सेट बनाए अपना इन विद रिगार्ड्स टू ग्रोइंग देयर वेल्थ. Yeah, that's a good point. तो सबसे पहले तो मैंने, जैसे मैंने कहा कि बाय लकी था ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि आपको पता है यूके यूएस में एक पेंशन फंड होता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक पेंशन फंड में पोर्शन ऑफ सैलरी जा रही होती है. तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि यार ये क्या चीज है, इसमें क्या चीजें हैं. तो मुझे पता लगा अच्छा ये इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं. तो मैं चूंकि आईटी साइड पे था, टेक साइड पे था, तो मैंने कहा ये तो मैं ये खुद क्यों नहीं कर सकता, तो मुझे तो पता है ज्यादा कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस वक्त चल रही है. जैसे मुझे उस वक्त 2006 की बात मैं आपको बताऊं कि विंडोज की बहुत सारी माइग्रेशन हो रही, सेल्स फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा था, अमेजोन का ये सर्वर बिजनेस में आ रहे थे. पहले तो इनका ही अमेजोन स्टोर ही था ना, बुक्स और ये सब ऑनलाइन स्टोर, ये सर्वर की साइट AWS जैसे हम कहते हैं उस साइट पे आ रहे थे. तो ये सब चीजें नई नई थी एंड आई कुड सी के व्हाट दे आर डूइंग. तो मैंने कहा ये जो मेरा पेंशन फंड है ये एक कोई और इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहीं का इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं खुद क्यों नहीं करूं. तो मैंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो खुद इन स्टॉक्स में जिनकी मैं बात करूं इनमें डालना शुरू किया. उसके रिटर्न अच्छे होना शुरू हुए और मच बिगर देन व्हाट द मार्केट वाज. फिर 2008 में गिरी भी बट मैं करता रहा, आई डिडंट स्टॉप बिकॉज वन थिंग आई लर्न ड्यूरिंग दिस टाइम आई रेड बुक्स एज वेल. उसमें मुझे यह हुआ कि जब मार्केट गिरती है तो इतना पैनिक नहीं करना चाहिए. अच्छा 2006 में 26 साल का तो सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं, तो पैसे भी इतने ज्यादा नहीं और एक जॉब लगी हुई थी. तो अगर गिरता भी है ना आपकी इन्वेस्टमेंट तो इतना कोई धचका नहीं लगता. अब अगर मेरी गिरेगी तो मुझे बहुत ज्यादा धचका लगेगा अब अगर 2008 वाला क्रैश होता, क्योंकि आई एम डिपेंडेंट फुली ऑन माई इन्वेस्टमेंट. बट उस वक्त इतना नहीं था तो वो गिरी भी बट मैं करता रहा और फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो एक तो ये मेरा था कि जिस चीज में मैं खुद था मैंने वही स्टॉक्स बाय किए जो मेरे अराउंड थे टेक्नोलॉजी के. और ये एक चीज वॉरेन बफे भी कहते हैं कि बेसिक, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बेसिक चीज आप ये तो देख सकते हैं ना कि आपके घर के अराउंड क्या चीजें ज्यादा यूज हो रही है. अब हर कोई आईफोन यूज कर रहा है, मैकडोनल्ड्स खा रहा है, कोक पी रहा है, तो एटलीस्ट इन्हीं में कर दो, क्योंकि दो तीन चीजें हैं. फिर कुछ मैंने बुक्स पढ़ी, एक बुक है नॉन फाइनेंशियल बुक है सेपियंस, लेकिन उसमें बड़ा जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट बताया है कि इमेजिनरी थिंग्स जो इंसान ने क्रिएट की है ना असल वैल्यू उनमें है. तो स्टॉक्स और कंपनी ये इमेजिनरी चीजें,
लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ ये शर्त भी होनी चाहिए कि सबको उस पर यकीन हो और दुनिया का भी, सिर्फ मेरा और आपका नहीं हो, और वो उसकी स्केयर्स हो, सप्लाई स्केयर्स हो। तो ये अगर तीन एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट में, कि इमेजिनरी है यानी उसकी वैल्यू इज इनफाइनाइट, कैन गो टू इनफाइनाइट, सेकेंड थिंग इज कि वो स्केयर्स है, और तीसरा उस पर बिलीव बहुत सारे लोगों का है। तो ये अगर तीन चीजें किसी इन्वेस्टमेंट में हो, दैट्स द आइडियल इन्वेस्टमेंट, एंड यू हैव टू लुक के अगर ये 10-15 साल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मैंने उन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया ओवर टाइम, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। ये मेरा फिलॉसफी थी। मुझे आप बताएंगे आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गेन क्या थी और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस क्या था, अगर तो आपने लॉस रियलाइज किया, अगर आपको याद हो। नहीं लॉस, हाँ हाँ बहुत सारे लॉसेस हैं। मेरी सबसे बड़ी गेन दो दो चीजों में थी, दो इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत बड़ी हो गई वो ओवर टाइम। एक तो बिटकॉइन, क्योंकि उसकी भी वो इट फुलफिल्स दिस थ्री क्राइटेरिया, इट्स इमेजिनरी राइट। और इमेजिनरी के मैं एक छोटा सा आपको एनेक्डोट दे दूं कि देखिए यूएस डॉलर और जिम्बाब्वियन डॉलर ना एक ही पेपर पे प्रिंट होता है, सो द फिजिकल वैल्यू इज द सेम, द वैल्यू ऑफ द पेपर इज द सेम, बट वाई इज यूएस डॉलर मोर वैल्यूएबल, बिकॉज मोर पीपल बिलीव इन इट, इट हैज एन इमेजिनरी वैल्यू, बट इट इज नॉट स्केर्स इन सप्लाई, इट कैन बी प्रिंटेड मोर एंड मोर एंड मोर बाय द यूएस गवर्नमेंट। फॉर पाकिस्तानीज इज गुड बिकॉज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग इवन मोर देन द यूएस गवर्नमेंट, सो पाकिस्तानियों के लिए यूएस डॉलर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूएस में रहने वालों के लिए इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या वेस्ट में रहने वालों के लिए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है तो सप्लाई स्केर्स नहीं है। तो एक मेरी बिटकॉइन का जो मैं रीजन बता रहा हूँ वो ये थी कि इट फुलफिल्ड ऑल दीज, के इट्स इमेजिनरी, द सप्लाई वॉज स्केर्स, एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन इट, एंड वंस द बिलीव ग्रोज सो बिग, जैसे जैसे रिलीजन है ना, द बिलीव ग्रोज सो बिग कि एक बंदे के छोड़ने से भी रिलीजन नहीं गिरेगा, वो छूट गया ठीक है, बट अगर दो ही बंदे का कोई रिलीजन, मैंने और आपने कोई रिलीजन स्टार्ट किया है, अब आपका भी बिलीफ चला गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल अकेले चाहे। तो जब वंस द बिलीफ गोज मैसिव, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट थिंग टू कम डाउन। तो बिटकॉइन एक मेरी बड़ी, और दूसरा मेरा स्टॉक था नवीडिया का, वो मैंने बहुत $3 का था जब मैंने लिया था, आज की वैल्यू के हिसाब, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो गया तो आज की वैल्यू के हिसाब से $3 का था वो, अब पता नहीं लास्ट $120-$130 का है, तो 40-50 गुना मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो ये बिटकॉइन में भी इतनी बड़ी 50-100 गुना के करीब तकरीबन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो ये दो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी जो बहुत ज्यादा बड़ी है। और कोई मेजर लॉस हुआ आपको? हाँ मेजर लॉस बहुत सारे स्टार्टअप्स है, यूके में ही एक स्टार्टअप था, उसका मैं नाम भूल गया, लेकिन वो ईवी ईवी कार्स होती है ना, उनकी बैटरी बनाते थे, और वो उनका सिस्टम ये था कि वो इंस्टॉल करते थे घरों में, ये उनका बिजनेस था। बट एक तो वो ईवी कार्स का भी थोड़ा पुल बैक हुआ है, आपको पता है सब गवर्नमेंट्स ने बैक ट्रैक किया है, क्योंकि बड़े अग्रेसिव टारगेट दिए कि 2030 में गाड़ियां पेट्रोल की बनाना बंद कर देंगे डीजल की, और अब कह रहे हैं 2040-45 यूके में एटलीस्ट, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा कर पाए ईवी का, तो वो बिजनेस नहीं चला, वो मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी, मतलब दे जा। बट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का ये वो है, मतलब रिस्क है, तो स्टार्टअप्स में जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी जर्नी सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट की, मैं उन्हें कहूंगा स्टार्टअप्स में ना करें, वो ब्लू चिप स्टॉक्स में करें तो बेहतर है, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। Correct, makes sense. अच्छा, आपने स्टॉक्स का जिक्र किया, बिटकॉइन तक का जिक्र किया, आपने प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं किया, एनी रीजन व्हाई? क्योंकि प्रॉपर्टी इमेजिनरी नहीं है ना, तो मैंने जो बुक पढ़ी सेपियंस उसमें लिखा था कि सबसे ज्यादा वैल्यू इमेजिनरी चीजों में, तो इसीलिए मैं, अच्छा टेक में भी मैं ज्यादातर सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता हूँ, नवीडिया इज द ओनली वन जो हार्डवेयर है मेनली, बट सॉफ्टवेयर साइड, लेकिन नवीडिया का भी स्टॉक सॉफ्टवेयर एआई की वजह से बढ़ा है, तो सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सीडी लेके नहीं जान, वो सीडी लेके हर जगह नहीं जानी, अब आप एक जगह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर,
तो कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, जैसे शैम्पू हो गया या कोई और चीज हो गया, वो फिजिकली मूव कर रही है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर आई लाइक, बिकॉज इफ यू लॉक इन समबडी इन अ सॉफ्टवेयर, जैसे एप्पल है, उसने काफी लोगों को अपना काइंड ऑफ एडिक्ट बना दिया एप्पल आईओएस का। तो एंड इट्स जस्ट सॉफ्टवेयर, सही उनके फोन भी हैं, बट दे आर नाउ मेकिंग मोर मनी ऑन देयर सर्विसेज साइड, व्हिच इज द सॉफ्टवेयर साइड, एप्स एंड आईओएस एंड अपडेट्स एंड बाइंग फ्रॉम द एप्पल स्टोर। तो आई थिंक इमेजिनरी नहीं है ना प्रॉपर्टी, इट्स फिजिकल। द गुड थिंग अबाउट प्रॉपर्टीज इज दैट इट्स नॉट इजी टू बिल्ड, सो फिकल तो सप्लाई इतनी तेजी से नहीं आती मार्केट में। तो द सप्लाई साइड, द थ्री पॉइंट्स आई सेड, that a lot of people believe in something and it will exist long term, 10-15 years. The supply side is restricted or not like easily available. And the third thing is it's imaginary. So houses or property fulfill two criteria. So it's not such a bad investment. It does fulfill two criteria of what I believe in. Got it. Achha. Investment se related, mera aakhri sawal hai. Risk management kaise karte hain? How do you curtail not going overboard with regards to your investments, and especially aapne kaha ki jab 2008 ka crisis aaya tha aapne becha nahi. One thing I understood was us waqt aapki total value of investment bhi kam thi, to isne itna dukh nahi diya. But COVID ke time mein when started things started going down, did you sell? If you sold, or how do you manage risk around black swan events especially? So COVID ke time pe na maine CV dalna shuru kar diya tha companies mein, kyunki मुझे नहीं पता था। अब आप 2020 मार्च में चले जाए तो अभी हाइंडसाइट में तो कहना आसान है, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था ये क्या वबा है, ये कब खत्म होगी, खत्म भी होगी नहीं होगी, क्या होगा। तो और जिस तरह क्रैश हुआ था आपको याद होगा, इट वॉज टू हॉरिबल। तो हाँ, मैंने सीवी डालने शुरू किए कर दिए थे, लेकिन 6 महीने में ही वो रिकवर हो गए मार्केट। सो आई डिडंट सेल, आई डिडंट पैनिक सेल, दैट वाज द गुड थिंग। आई जस्ट हेल्ड माय इन्वेस्टमेंट एंड 6 मंथ से रिकवर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत पैसा प्रिंट किया, लोगों को बांटा, हर कोई उस दौर में ना वेस्ट में एटलीस्ट वो ट्रेडर बन गया था, रॉबिन हुड पे बैठा हुआ बाय कर रहा है, अमीर हो रहा है, गवर्नमेंट का चेक आ रहा है, पे चेक, और वो उसको रॉबिन हुड पे डाल रहे और अमीर हो रहे। तो वो इट रियली शॉट अप आफ्टर दैट। करेक्ट करेक्ट। सो आइडिया इज कीप होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज़ इन द लॉन्ग रन इफ देयर इज अ डिप इट विल कम आउट इवेंचुअली। हां, इफ यू हैव टू, इफ यू आर एट अ लेवल वेयर यू कैन इजीली टेक आउट अ रन बजट फॉर लाइक 2-3 इयर्स या 5 इयर्स, देन टेक इट आउट, कीप द रेस्ट इन्वेस्टेड और थोड़ा थोड़ा बाय करते रहे। अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, डिपेंड करते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे, जैसे मैं हूँ, तो मैं काफी ज्यादा कैश रखूंगा अभी टू रन माई हाउस एंड टू कीप बाइंग रेगुलरली एंड वेटिंग फॉर द डिप्स। बट जो सैलरीड लोग हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि आपकी जॉब है, आपका बैकअप है बहुत अच्छा, तो आप बस इन्वेस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डोंट वेट और फॉर बॉटम्स और टॉप्स टू सेल, बॉटम्स टू बाय, वो ट्रेडर्स का काम है। फिर ट्रेडर 24 घंटे ये काम करते हैं और फिर बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं, वो ये नहीं अफसोस करते कि अरे मैंने टॉप पे बेच दिया, अब फिर उसके बाद डबल हो गया तो हो मुझसे गलती हो गई, वो फिर डिसिप्लिन चलते हैं वो अपने चार्ट वगैरह देख के। तो ट्रेडर आप नहीं है, आप बस इन्वेस्टर है। तो डोंट वेट फॉर बॉटम्स एंड टॉप्स, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स जो सैलरी से है। गॉट इट। अच्छा, मैं वापस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आता हूँ, व्हिच इज एक सवाल मेरा ये है कि लेट्स से मेरी $100,000 का एक्सपेंस है एवरी ईयर, मेरे पास कितना पैसा जमा हो जाना चाहिए इन्वेस्टेड कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कंसिडर कर सकूं? आई थिंक यू कैन स्टार्ट, वैसे तो शौक की बात, अगर आपको गाड़ियां का शौक है बहुत महंगा शौक है, अगर आपको छुट्टी बाहर ही करनी है, जैसे मैंने बताया कि दुबई वाले को यूके ही आना है, तो वो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। बट आई थिंक $1 million इज गुड इनफ इफ यू कैन टेल योरसेल्फ कि यार इस साल अगर हम छुट्टी लोकली कर लें तो भी ठीक है, एंड फैमिली इज ओके विद दैट सेटअप, तो 1 million भी इनफ है।
10% एवरी ईयर यू कैन मेक. करेक्ट, ठीक है, मेक सेंस. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपका एक नॉर्मल डे कैसा, हाउ इज योर एनी एवरेज वीक डे, हाउ इज योर एवरेज वीक डे, व्हाट डू यू डू? मुझे तो सुबह उठना होता है, नीड टू गो टू ऑफिस, वापस मैं शाम को आता हूँ, आई हैव फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम किया एंड देन आई एम प्रीटी टायर्ड, थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे अपना काम किया एंड दैट्स इट. हाउ डज इट लुक फॉर यू? तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है मुझे फुली, क्योंकि मुझे भी सुबह उठना पड़ता. मैं सुबह उठता हूँ, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, ठीक है, उनके स्कूल थोड़े दूर दूर है तो थोड़ा टाइम लगता है. फिर मैं घर आ जाता हूँ 9-9:30 बजे तक. फिर मैं और मेरी मिसेज जो है वो हम दोनों कोई या तो वेब सीरीज देख ली या कोई मूवी देख ली या फिर हम लंच वंच पे चले गए. इसमें टाइम निकल जाता है. थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. और अगर कोई यूजुअली अगर कोई स्टार्टअप वगैरह की पिच आई भी है कि उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उनसे कॉल हो जाती है, मीटिंग हो जाती है इस टाइप की, लेकिन वो रेयर होता है, अब रोज का नहीं है. तो डेली तो बस यही होता है कि हम आ गए और फिर मैंने कोई बेगम के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, खाने वाने पे चले गए. थोड़ा मैं क्रिकेट, हाँ मेरे दोनों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो मैं क्रिकेट के बारे में पढ़ता रहता हूँ, के वीडियोस देखता रहता हूँ, मोर ऑन द टेक्निकल साइड के क्या टेक्निक सही होती है बैटिंग की, किस तरह से क्या कर, तो वो मैं पढ़ता हूँ. फिर शाम में उन्हें लेके आता हूँ स्कूल से, फिर हम लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की तो मैं उन्हें वही बताता हूँ जो मैंने उस दिन लर्न किया है क्रिकेट के बारे में. तो बस फिर वो शाम हो जाती और डिनर एंड दैट्स इट. मेरी अम्मी भी साथ होती है, थोड़ा टाइम उनके साथ बात बात कर ली. अच्छा मेरा आखिरी सवाल है और ये रिलेटेड है थोड़ा सा जो मैंने अभी आपसे सवाल किया एंड मे बी यू काइंड ऑफ आंसर्ड इट पार्शियली ऑलरेडी, पर मुझे बताएं आप अपना सेंस ऑफ पर्पस कैसे ड्राइव करते हैं. और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो टिपिकल रिटायरमेंट एज में होते हैं, लेट्स से दे आर 65, दे रिटायर, एज सून एज दे रिटायर वो अगले 2-3 साल में अपनी, मैंने बहुत से लोगों को बहुत जल्दी बूढ़ा होते देखा है, 65 से लेट्स से 68 दे गेट ओल्ड एज इफ दे वर 10 साल की उम्र जो है वो 3 साल में कर लेते हैं. तो मैंने कंक्लूड ये किया कि यार चूंकि दे एक्चुअली टिपिकली लॉस देयर सेंस ऑफ पर्पस, नौकरी एक पर्पस देती थी, अब अच्छा बुरा जैसे भी है, स्ट्रेस नो स्ट्रेस, बट एक पर्पस था. हाउ डू यू ड्राइव योर सेंस ऑफ, आई अज्यूम यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस, एंड इफ यू डू, हाउ डू यू ड्राइव योर सेंस ऑफ पर्पस? आई फुली एग्री विद यू, आप सही कह रहे हैं. मुझे ये हर किसी का आई थिंक इंडिविजुअल होता होगा. कुछ लोगों को कोई हॉबीज पसंद होंगी, आप कोई लोग गोल्फ शुरू कर देते हैं, कोई लोग कुछ गेम्स खेलने लगते हैं. तो मुझे हमेशा से ना लोगों से कनेक्ट करना और इसमें ज्यादा मजा आता है कि एंड बेसिकली ड्राइविंग अदर्स फॉरवर्ड. तो अब उसमें हाउ कैन आई हेल्प, उसमें मेरे बच्चे आ जाते हैं ज्यादा. तो एक ये सेंस ऑफ पर्पस, जैसे मैंने क्रिकेट की बात की कि हाउ कैन, मुझे ये नहीं है कि वो यू शुड बी गेट सेलेक्टेड इन दिस टीम और दैट टीम, बट मुझे ये है कि अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग, मैं सोचता हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हाउ कैन आई हेल्प देम बिकम द बेस्ट इन इन देयर फील्ड व्हाट दे वांट टू डू, चाहे वो पढ़ाई हो या क्रिकेट हो या कोई और हॉबी हो, तो वो बेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं पढ़ूं, मैं इंटरेस्ट लूं, मैं सीखूं तो उन्हें बताऊं. आई थिंक ये एक पर्पज है मेरी लाइफ में, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बट कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि गोल्फ खेलना या कोई और हॉबी कोई लोग पिक कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं. मैं भी कोचिंग क्लब में भी कर लेता हूँ, क्रिकेट क्लब में बच्चों की, तो ये भी एक है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, स्पेशली जिन माशों में हम लोग रहते हैं, इनमें तो बहुत बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अवेलेबल हैं टू डू. गॉट इट, मेक सेंस. अच्छा मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग अगर आप नहीं कर रहे, और एटलीस्ट राइटिंग, एंड इफ मोर स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब मे बी, और स्टार्ट राइटिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और ट्विटर. जो बिकॉज आपने कोचिंग 2-3 बारी कहा, आपने लोगों से कनेक्ट करना कहा, ये सारी चीजें वो हैं जो मैं बिकॉज ऑफ यूट्यूबिंग आई हैव कम टू रियलाइज एंड आई एंजॉय इट सो मच. मेरा आपसे कभी कनेक्ट नहीं होता इफ इट वॉजन फॉर यूट्यूब.
Now there's a reason why I'm connecting with you, but now I know you. You know me as well, and we connected. We share ideas. We share thoughts. इसी तरह जब मैं contribute करता हूँ when I'm writing, आप ये कह रहे हैं, आपने मुझे जितनी बात बताई वो I understood कि whatever is your sense of purpose is revolved around your you teaching and coaching your kids, या maybe at neighbors या friends इससे ज़्यादा. What I'm saying is if you start contributing on the web, you'll start to increase that circle of influence much bigger. By circle of influence, what I mean कि आपका influence जो है वो बड़े से बड़ा हो जाएगा and you will be able to connect more. So ये जो बातें आपने कही ना, जो आप enjoy करते हैं, वो बस magnify हो जाएंगी. So I highly recommend कि आप जो हैं इसको try it out. I don't know. मेरे preferred platforms जो हैं वो LinkedIn है. I haven't dabbled with Twitter much, but Twitter is another one, or X कह लें अब. And YouTube थोड़ा सा काम ज़्यादा है because you have to put a video. But if you are not comfortable with the camera yet, I would recommend you start writing first, LinkedIn and Twitter, and then after 6-7 months, maybe just hop on a video as well. Highly recommend. नहीं, थैंक यू, सही है, मैं गौर करूंगा इस बात पे. और उसके बस दो तीन ही रीजन है, एक तो काहली आड़े आ जाती है, बट और दूसरा ये कि मैं यही सोचता हूँ कि इतनी मुश्किल चीज नहीं है. मैं एक आध ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये एक ही दफा हो सकती है, एक ही दफा कह सकता हूँ. अब मैं इसको बार बार कितने अंदाज से, कितने तरीकों से लिख दूंगा, यही मेरी जर्नी है जो मैंने आपको बता दी. इट वॉज क्वाइट सिंपल. You have no idea what is basic and average to you is amazing for others. मुझे भी पता है, ये लगता है मसला ये कि हम compare करते हैं कि यार मुझे था, जब मैंने अपनी पहली video बनाई थी ना, तो मुझे था कि I'll name a common friend, मतलब कोई Mr. X, अदील क्या कहेगा मेरी video देख के. अदील ने मेरी video देखनी भी नहीं है because उसके लिए वो relevant ही नहीं है. Relevant जो है वो उस बंदे के लिए जिससे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, बट वो मुझे देख के एस्पायर करता है कि यार सुनील जो है देखो पाकिस्तान में था, ही सेटल्ड इन यूके, ही इज अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वांट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम. अब वो आपको इतना इंस्पायर करता है, आप कुछ भी बताएंगे ना, कोई छोटी सी भी एडवाइस देंगे जो आपको लगेगा यार ये तो बेसिक बात है, ये मतलब ये तो किसको नहीं पता, बट लोगों के लिए अमेजिंग होती है. और मुझे ये रियलाइजेशन नहीं थी, आई ओनली रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग माय सेल्फ आउट देयर, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, कि लोगों ने जब मुझे मतलब रिएक्ट करना शुरू किया और उन्हें कहा आप, वी वांट टू कनेक्ट विद यू बिकॉज वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड ऑल, देन आई रियलाइज कि व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी रेलेवेंट फॉर अ बिग क्राउड जिनसे मैं कभी मिला नहीं, और मुझे फिक्र किसी और की थी जिसके लिए वो रेलेवेंट ही नहीं है. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरनल. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कभी कॉमेंट आया आउट ऑफ नोवेयर यूट्यूब पे या ट्विटर, जिस आप यूट्यूब पे जाते तो कोई के आपको लगाओ कि वाओ यार मैंने इनको ये सिखा दिया, मुझे नहीं पता था कि दिस पर्सन, आप नाम नहीं लें भले, लेकिन कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग था? मैं आपको बताऊं, इट्स बहुत सारे आते हैं, बट मैं आपको बताऊं इतना बेसिक है, इतने बेसिक हैं कि मैं क्योंकि अपने चैनल पे, मेरा जो इंग्लिश का चैनल है उस पर मैं करियर कोचिंग की वीडियोज बनाता हूँ जिसमें मैं इंटरव्यूज की बातें करता हूँ. उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और उसमें मैंने शुरू ये किया था कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना लाजमी है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इंटरव्यू ये सोच के देने जाते हैं कि वी विल बी आवर सेल्व्स, वो जस्ट बी योरसेल्फ. मैंने इतनी बात की थी उसमें, और पीपल वर लाइक यार दिस इज सो अमेजिंग, हमने कभी सोचा नहीं कि इंटरव्यू के लिए तैयारी भी होती है. एंड इट वॉज फॉर मी माइंड बॉगलिंग दैट हाउ कैन यू गो एंड इन एन इंटरव्यू विदाउट प्रिपेयरिंग, बट देर आर सो मेनी पीपल. और ये ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान के किसी गांव में कोई बंदा है जिसने ये रिएक्ट किया है. I'm telling you, these are people sitting in North America, जिनके इस तरह के reactions आते हैं कि यार हमने सोचा नहीं था कि हमको interview में जाने से पहले तैयारी भी करनी है, या हमको अपना introduction prepare करना है, क्योंकि बहुत common सवाल है, introduce yourself, tell me about yourself, Sunil. तो लोग कहते हैं वो क्यों prepare करें, हम तो कोई और सवाल prepare करेंगे कि यार कोई सवाल जो technical है, but ये सवाल technical है. So when I say this, और मेरे लिए तो बहुत ऑब्वियस है कि यार जब मैं जाऊंगा इंटरव्यू में, मुझसे पहला सवाल होगा आप अपने बारे में बताएं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कोई क्या जवाब दूंगा. सो ये छोटी सी एग्जांपल अभी टॉप ऑफ माय हेड आ रही है, बट इसी तरह अगर आप सेविंग्स में भी ले लें कि सेविंग्स में व्हाट आई डू इज आई मेक अ लिस्ट बिफोर आई गो टू द ग्रोसरी स्टोर, मैं पहले से लिस्ट बना लेता हूँ कि मुझे क्या लेना है. तो मुझे एग्जैक्टली ग्रोसरी स्टोर में जाने से पहले पता होता है कि मैं आज के दिन $200 खर्च करूंगा, क्योंकि मेरी लिस्ट पहले से बनी होती है. अब ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मैं कोई एक एक्स्ट्रा चीज पिक ही नहीं करता. जब मैंने इस पे लिंक्डइन पे ये कमेंट लिखा, पीपल वर लाइक ब्लोन अवे, विच इज कि यार ये कितना अजीम आइडिया है. अच्छा, उसमें एक और चीज ये भी है, लोगों को ये लगता है, और ये पॉडकास्ट अब कहीं और चली गई है, बट लोगों को ये लगता है कि ये बात तो पहले हो चुकी है,
इन्वेस्टमेंट की, आपने वॉरेन बफेट की बात की ना, ये बात तो पहले हो चुकी है, मैं नई बात क्या कर रहा हूं। और उसका जवाब मेरे पास ये है कि when it was said the first time or maybe the 10th time no one was listening and hence it has to be said again. तो जो बातें हो चुकी हैं they have to be said again and again and again. और अगर आप उसमें कब तक कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक और चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती, और मुझे भी बहुत अरसे तक समझ नहीं आई थी। बाय द वे मैं फाइनेंस का हूं, मैंने फाइनेंस पढ़ी भी है, मैंने कंपाउंडिंग का चैप्टर भी पढ़ा है, बट आई नेवर रियलाइज कि यार ये मैं यूज कैसे कर सकता हूं। मुझे लिए वो एक सब चैप्टर था जिसको पढ़ना था, जिस जो एग्जाम में आएगा उसको रटा लगा के मैंने जवाब देना है। आई ओनली रियलाइज कि इसकी पावर असल में क्या है, नॉट जस्ट इन मनी बाय द वे, इन अदर थिंग्स एज वेल, स्किल डेवलपमेंट, उन सब चीजों में मेरी ये रियलाइजेशन बहुत बाद में आई। तो अभी भी मैं नोट करता हूं कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको कंपाउंडिंग का पता ही नहीं। तो अगर आप जो हैं सिर्फ कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ाना शुरू कर देना लोगों को, पीपल आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ बिग बिग फॉलोइंग जस्ट बाय सुनील टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग। इस पे मैं खैर एनीवेज आई कैन टॉक एट लेंथ अबाउट दिस, बट सुनील थैंक यू, आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम आपसे, मैंने जो है ऑलरेडी आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज where can people reach out to you अगर उनको कोई सवाल हो, कुछ आपसे कनेक्ट करना हो, आपसे ज्यादा कुछ समझना हो, if they want to reach out to you, where they can they reach out to you? मेरा ईमेल है, ईमेल कर सकते हैं sunil.parvez@gmail.com पे, आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने उसमें, that's where I am available, वो मुझे ईमेल कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सुनील, एनी पार्टिंग वर्ड्स, एनी लास्ट वर्ड्स, आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, इट वाज वेरी वैल्यूएबल, बट अगर कोई लास्ट थॉट्स, लास्ट वर्ड्स हैं, वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मैं बस एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मुझे याद आ गया, और वो अगेन इम्पोर्टेंट है सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप लोगों पे इतना मत ध्यान दें कि वो आपके कपड़े देख रहे हैं, आपके जूते देख रहे हैं, आपकी गाड़ी देख रहे हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ, बिल गेट्स ने सुनाया था, वो यहाँ आए थे लंदन, तो मैं उस टॉक में था जिसमें वो आए थे, तो वो कहने लगे मैं वॉरेन बफे से मिला 95-96 में, उस वक्त वॉरेन बफे ऑलरेडी बिलियनियर हो चुके थे और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी और चल गई थी, लेकिन वो इन्वेस्टर चाह रहे थे बड़े, तो वॉरेन बफे वाज वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स इन दैट कंपनी और वाज सपोज टू बी, तो बिल गेट्स उनसे मिलने गए वॉरेन बफे से, तो उन्होंने कहा कि चलो लंच पे चलते हैं, वॉरेन बफे ने कहा कि लंच पे चलते हैं, बिल गेट्स को कहा, तो बिल गेट्स ने कहा चलें, तो वो समझे बिल गेट्स के मुझे कहीं फैंसी जगह पे, बिलियनियर आदमी है, मुझे कहीं फैंसी जगह खिलाएगा, तो वो उन्हें मैकडोनल्ड ले गए और मैकडोनल्ड में भी वाउचर निकाल के दे रहे हैं कि मेरे पास दो वाउचर थे फ्री मील के, तो जब वो ये कर सकता है बंदा, उस ही हैज नो इनहिबिशन के बिल गेट्स मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं पहली दफा मिल रहा हूँ, तो ही हैज नो इनहिबिशन, तो आप भी कर ही सकते हैं। Don't worry about these things. बस मैं ये कहूँगा। ऐसे आप फिर बहुत invest कर लेंगे, बहुत save कर लेंगे। Correct. Amazing. And thanks for those parting words and thanks for that story as well. Thank you, Sunil. Thanks for joining. Okay. Thank you, Behrooz.